औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में खनन माफिया इस कदर ताकतवर हो चुका है कि इन्हें पकड़ना पुलिस व खनन विभाग के बस की बात नहीं है। मलपुर पंचायत के तहत मलकू माजरा व गुरु माजरा शमशान घाट के पास खनन माफिया ने पर्यटन विभाग की भूमि को लगभग 20 फुट गहराई तक काट दिया व यहां से पत्थर व अन्य सामग्री ले उड़े, जिसके चलते इस भूमि के साथ लगते शमशान घाट व बिजली के सरकारी खंभों को भी गिरने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर्यटन विभाग ने लगभग 250 बीघा भूमि चयनित की थी व यहां गोल्फ क्लब बनाने का प्रावधान था, परंतु किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया व अब आलम यह है कि पर्यटन विभाग के बोर्ड भी यहां से कबाड़िए ले गए। हर रोज खनन माफिया के लोग इस भूमि का सीना छलनी कर लाखों रुपया अपनी जेब में डाल रहे हैं व खनन विभाग शिकायत के बावजूद भी इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा। ऐसा है कि हमने बार बार समय हर बार हम प्रशासन को इस बात का सूचना देते हैं, यहाँ लीगल माइनिंग हो रही है और ये देखिए रोड के बिल्कुल मॉर्गन रोड के सामने है और इधर शमशान घाट की दीवार गिरने वाली है। ये 30 फुट के ज़्यादा गहरी इन्होंने यहाँ माइनिंग की है और बच्चे इसमें नहा रहे हैं। कभी भी कोई हादसा हो सकता है कि ये इतना गहरा पानी है, तो प्रशासन पता नहीं कब जागेगा। यहाँ वैसे तो पुलिस भी रहती है, पुलिस ने कोई चालान नहीं करता, क्योंकि यहाँ से जो भी यह खनन का जो है माल जो लेके जाते हैं वो क्रशर बाय रोड ही जाता है, जेसीबी लगा के करते हैं। इन्होंने इतनी खुदाई कर दी कि नीचे से पानी निकल गया। हम प्रशासन से मांग करते हैं, माइनिंग अधिकारी से और एसडीएम महोदय से, एसपी पुलिस बद्दी से, कि ये माइनिंग के खिलाफ अंकुश लगाया जाए। नहीं, आने वाले में जो ये धरोहर है हमारी, ये ख़त्म हो जाएगी। नदी कोई नहीं रहेगी, सारी नहरें बन जाएंगी। आप देखिए यहाँ मिट्टी नीचे निकल, मिट्टी के नीचे से पानी भी निकाल दिया। और इसके बारे में अगर ना कहे तो हिम परिवेश ने पहले भी संघर्ष किया, अब भी संघर्ष करेंगे। सबसे पहले बड़ी दुख की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि माननीय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय जो है हिमाचल प्रदेश, उन्होंने आदेश दिए थे उपमंडलाधिकारी नालागढ़ को कि हिम परिवेश संस्था से जो ये है माइनिंग और उसके लिए हर महीने एक मीटिंग होगी। पिछले 1.5 वर्षों से कोई मीटिंग नहीं हुई और हमने कई दफ़ा अगवती भी कराया इनको, उनके पास गए भी कि हमारी जो मीटिंग नहीं हो रही, कि उसमें सभी अधिकारी मौजूद होते थे और उनको एरिया जो है चिन्हित किए होते थे वो बता देते थे और उससे क्या माइनिंग पे बड़ा अंकुश लगता था। लेकिन अब तो बिल्कुल खुला हो गया, कुछ अधिकारियों को फ़ोन करो तो इलेक्शन ड्यूटी में होते हैं और कई को फ़ोन करो तो कहते हैं हम छुट्टी भी हैं। और इसको रोकने के लिए जो खनन माफिया इतना हावी है, जो लोकल लोग गाँव वाले रोकते हैं वो उनके विरुद्ध हो जाते हैं और उनको कोई भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो मेरी प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और उद्योग मंत्री और ये लोकल प्रशासन से अपील है कि जो ये ऐसा खनन हो रहा है इसको रोका जाए, इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा नहीं तो हिम परिवेश इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाएगी, उच्च न्यायालय के दरवाजा खटखटाएगी। जो मैं उप प्रधान हूँ ग्राम पंचायत किशनगढ़ से और ये हरैपुर गाँव पड़ता है, रत्न नदी पड़ती है। ये मतलब कई दिन से यहाँ खनन हो रहा है, हर रोज यहाँ कोई ना कोई जो शरारती तत्व है पूरी रात यहाँ लाखों रुपया कमाते हैं और सुबह जाके 5-6 बजे वो बंद कर देते हैं। ये जो ज़मीनें हैं, ये शमशान घाट है, इसको सभी को इसका मतलब खतरा है। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये जो अवैध खनन हो रहा है इस पे रोकथाम हो सके। सर यहाँ पे माइनिंग इंस्पेक्टर या माइनिंग गार्ड कोई भी नहीं आता है मौके पे? यहाँ कोई नहीं आता, ये लोग रात के समय मतलब खनन करते हैं। रात को जो भी माइनिंग वाली टीम आती है मेरे को लगता है रोड से ही पीछे से ही वापस हो जाती होगी। यहाँ जहाँ खनन हो रहा है वहाँ कोई नहीं आता, ये क्या बात है क्या नहीं ये उनको पता होगा। ये देखो ये बिजली की तारें हैं, यहाँ से जा रहे खंभे लगे हुए हैं, इनको भी बहुत खतरा है, ये भी कभी भी गिर सकते हैं। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जैसे कि यहाँ 10-10 फुट के गहरे गड्ढे हैं जिसमें पानी खड़ा हुआ है, यहाँ रात को कोई बंदा आ जाए और गिर जाए तो उसमें उसकी तुरंत मौत हो सकती है। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। सर्विसमैन हवलदार अजीम खान, विलेज बीपीओ गुरुमाजरा का रहने वाला हूँ। इसी के साथ मेरा ये खेत है, मैंने कई बार जेसीबी वालों को, भट्टे वालों को, इनको जो खनन करते हैं इनको रोका। ये रात को 11 बजे लगते हैं और 3-4 बजे अपना जेसीबी लेकर के चले जाते हैं। मैं रात को 2-2 बजे आकर भी इनको रोका, उस टाइम चले जाते हैं। अभी डेली तो हम नहीं आ सकते, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर शमशान घाट का मेन है
मैंने 3 साल से इनको रोकते रोकते ये शमशान घाट के लिए स्पेशल रुका रखा था, जो इतना ऊंचा एरिया था इसको इन्होंने खनन कर करके अभी पंचायत ने ये तो बना दिया शमशान घाट, पर तो इसका काम अभी अधूरा है। तो इसके साथ साथ इन्होंने काम जैसे ही चला इन्होंने रात को जेसीबी लगाना शुरू कर दिया कि जो कवर हो गया इसके शमशान घाट के अंदर ये तो बचा इधर उधर से हम उखाड़ लें। तो इसको प्रशासन से मेरी ये मांग है कि यहाँ बिजली का हाईटेंशन बाहर जा रही है और यहाँ 50-50 फुट के खड्डे कर दिए इन्होंने, जिसमें गाय बैल कुछ भी भैंस कोई पानी पीने उतरेगा तो मर जाएगा इसमें। तो मेरी प्रशासन से ये मांग है कि इन खनन करने वालों की तुरंत कार्रवाई की जाए। सर, आपने कभी माइनिंग इंस्पेक्टर को या माइनिंग विभाग वालों को कभी इसकी कंप्लेंट दी है? इनको तो नहीं दिया, हमने पंचायत प्रधान को बोला जी। इसमें कोई कार्रवाई हुई कभी? कार्रवाई इसमें सर कोई नहीं हुई। बद्दी से आदित्य की रिपोर्ट।